क्या आपको मैथ लगाने में काफी समस्याएं होती हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैथ को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हे नमस्कार दोस्तों, मैं बीके का दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विद गुरुजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीप्लाई यानी कि गुणा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ से बच्चों को इसलिए डर लगता है क्योंकि मैथ का जो ट्रिक होता है उन्हें पता नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करने का दो ऐसे ट्रिक लेके आया हूं जो काफी शानदार एंड जानदार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको अंक दे दिया जाए 99 गुणे 54। मैंने क्या अंक दिया है 99 गुणे 54। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे 99 × 54। अब सॉल्व ऐसे करेंगे 4×9 = 36, तो लिखेंगे हम 6, हासिल लगा 3। 4×9 = 36, फिर यहां भी 4×9 = 36, 36 और 3 = 39। उसके बाद 5×9 = 45, हासिल 4। 5×9 = 45 = 48, सॉरी 45×4 = 49, 45×4 = 49। अब यहां पे 6 उतारेंगे, 9×5 = 14 की 4, हाथ में लगा 1, 9×3 = 12, 1×13 = 13, 4×1 = 5। इतना लंबा चौड़ा लगाएंगे तब जाके कहीं आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए ट्रिक क्या है, कैसे आप लगाएंगे कि आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ सकता है। चलिए वीडियो को देखते हैं। हमें करना क्या होगा, कितना लिखा है 99 × 54। अब इसे हम कैसे करेंगे देखिए, यहां जो है 54 लिखा है तो 54 का जो एक माइनस एक अंक जो है माइनस करके यहां पे लिख देंगे, ठीक। तो 54 का क्या होता है 53 हो जाएगा, जब इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो हमने क्या लिखा है यहां पे 53। उसके बाद क्या करेंगे, यही 53 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस तो करना है यानी कि घटाना सबको आता होगा, तो हम इसमें से 99 से जो है 53 माइनस करेंगे। उसके बाद तो कितना होगा, 9 में से 3 गया, यहां पे लिखेंगे 6, कितना गया, अगर 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, 9 में से 5 गया, बचा कितना 4, यही आपका आंसर है। हाय ना कमाल की ट्रिक। चलिए एक और अंक देखते हैं, हमने लिया 999 × 564, यहां भी वही ट्रिक लागू होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 564 है तो हम कितना लिखेंगे 563, उसके बाद 563 जो लिखेंगे यहां से वही माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए मान लीजिए 3 अंक का दिया था, यहाँ पे 3 अंक का दिया था, मान लीजिए जो है और बड़ा अंक दे दिया जाए तब कैसे आप लगाएंगे? तो सेम वही फार्मूला यहाँ भी लागू होगा। मान लीजिए लिखा है 9999 पांच बार, उसके बाद 16 34 54, ठीक है, 16 34 5 यानी कि 16 345। अब देखिए यहां क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन यहां अप्लाई होगा, तो यहां हम लिख देंगे 16 344। उसके बाद यही जो है ये वाला, इसमें से एक माइनस करेंगे हम, ठीक है,
16,345 लिखा है, तो 16,344 जब हम एक माइनस करेंगे तो 16,344 हो जाएगा, तो वही हम यहां से माइनस कर देंगे 344। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यही आपका आंसर आ जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक। चलिए चलते हैं हम दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, हमने ले लिया 99, उसके बाद ले लिया 46, 99 गुणे 46। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 99 में जो है 100 से गुणा कर देंगे, फिर क्या हो गया, 20 हो गया। फिर गुणा करने के बाद हम यही जो है 46 इसमें से माइनस कर देंगे, 46 जो है माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ गया हासिल, इधर गया, क्योंकि 0 है तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 वही उतर जाएगा, फिर यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये दो अंक का हमने लिखा था, अगर 999 होता तब भी यही फार्मूला लगता। ठीक है, अगर 9999 होता तब भी वही फार्मूला लगता। मान लीजिए आपको 98 से गुणा करने के लिए दे दिया जाए, तब क्या करेंगे, मान लीजिए 98, ठीक है, इंटू 12, 98 इंटू 12। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन यहां भी लागू होगा, लेकिन देखिए कितना लिखा है यहाँ पे 12, तो 100 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1200। उसके बाद ये जो अंक है इसका हम दो गुना करेंगे, 98 है ना, वहां 99 था तो सेम यही लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे 98 है तो ये फार्मूला जो पहले वाला काम नहीं करेगा, तो यहाँ करना क्या होगा, 12 × 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर से तो यहाँ हो गया 10, एक इधर से गया तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, सॉरी 4 गया, बचा कितना 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक। मान लीजिए यहाँ पे सत्तान में लिख दिया जाए इंटू 11, ठीक है, 97 × 11 लिख दिया जाए, अब तब क्या करेंगे, ट्रिक वही काम नहीं करेगी, थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा तो करेंगे ही, लेकिन और क्या चेंज करेंगे, देखिए वहां 99 था तो सेम वही उतार देते थे ये वाला, ठीक है, अगर 98 था, अगर 98 लिखा होता 11, तब 11 × 22 हो जाता, ठीक है, लेकिन लिखा कितना है 97, तब क्या करेंगे हमें 11 × 3 = 35 कर देंगे, यानी कि इसका जो है 3 गुना कर देंगे, अगर 97 रहेगा तो इसका 3 गुना कर देंगे, अगर 98 रहेगा तो इसका जो है 2 गुना कर देंगे, अगर 99 है तो वही सेम उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस करते हैं, तो यहाँ कितना है 11, अब यहां से एक हासिल गया इधर, क्योंकि 0 तो घटेगा नहीं, तो हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ हो गया 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।